मूवी शुरू होती है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी है। इस औरत का नाम नैन्सी है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के को कैफे में देखते हैं। इस लड़के का नाम है लियो। नैन्सी उस होटल रूम में काफी नर्वस लग रही है। उसके बाद वो ड्रिंक करती है और खुद को कई बार शीशे में देखती है। उसके बाद हम उसके रूम के बाहर लियो को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक एक्स वर्कर है और नैन्सी ने उसे अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए ऑनलाइन बुक किया था। लियो नैन्सी के परफ्यूम की तारीफ करता है और फिर वो अपने असली मुद्दे पर आता है और पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, उसकी फैंटेसीज क्या क्या है। नैन्सी बताती है कि उसके पति की डेथ हो चुकी है और वही एक लौता साधन था उसके पास उसकी फैंटेसीज पूरी करने का, लेकिन वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता था। उसे लगता था कि वो सारी फैंटेसीज उसे ह्यूमिलेट करती हैं। नैन्सी अपनी बढ़ती उम्र की वजह से टेंशन में है और उसे लगता है कि एक टीचर होने के नाते ये सब हरकतें उसे शोभा नहीं देती। लिए उसे समझाता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, सबको खुश रहने का हक है। वो उसे काम डाउन करता है। नैन्सी वॉशरूम जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है माहौल के हिसाब से, लेकिन असल में बाहर लियो भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अपना मूड बनाने के लिए वो चॉकलेट खाता है और जब नैन्सी बाहर आती है वो उसे किस करने लगता है। नैन्सी उसे ब्रश करने को कहती है क्योंकि उसे चॉकलेट की खुशबू पसंद नहीं है। और जब लियो ब्रश करके बाहर आता है, नैन्सी अपने आगे के मिशन के लिए तैयार थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने के लिए बेड में लेट जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले लियो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है ताकि वो उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सके कि उसकी फैमिली को लगता है कि वो किसी तेल रिग में काम करता है। उन्हें लियो की असली जॉब के बारे में नहीं पता है। अपने परिवार से अपनी एक्चुअल नौकरी छिपाने के बावजूद लियो को अपने वर्क से कोई भी शर्म नहीं है। वो इस काम को बेहद जरूरी मानता है और नैन्सी के आगे कबूल करता है कि उसे भी उसके सामने काफी शर्म आ रही है। नैन्सी भी अपने बच्चों के बारे में बताती है जो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। बातें करते करते नैन्सी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने लगती है और अपने पति और उसके बीच होने वाले रोमांटिक पलों को शेयर करती है। वो कहती है कि उसकी लव लाइफ काफी बोरिंग थी, उसका पति कभी भी उसे जिस्मानी सुख नहीं दे पाया। नैन्सी उससे अपनी सारी फैंटेसीज रोते रोते बताने लगती है और अपने सबसे कामुक अनुभव शेयर करती है जो उसने तब एक्सपीरियंस किए थे जब वो अपनी फैमिली वैकेशंस पर ग्रीस गई थी और तब वो एक टीनेजर थी। एक होटल स्टाफ ने उसमें दिलचस्पी ली और जब वो होटल के बगीचे में अकेले थे तो उसने उसे टच और किस करना शुरू कर दिया। नैन्सी को उसकी ही कहानी से उत्तेजित और टेंशन फ्री देखकर लियो उसे किस करना शुरू कर देता है। एक हफ्ते बाद नैन्सी दूसरे सेशन के लिए उसी कमरे में लियो से मिलती है। वो लियो को अपनी फैंटेसीज की एक बकेट लिस्ट पढ़ के सुनाती है जिसे वो पहली बार अनुभव करना चाहती थी। उसे नहीं लगता कि वो लियो को आगे अफोर्ड कर सकती है, इसीलिए वो इस मीटिंग में अपने इंटरेस्ट की चीजें करना चाहती है जिसकी शुरुआत एक बीजे से होती है। लेकिन नैन्सी फिर से लियो के साथ वो सब करने की वजह से टेंशन में आने लगती है। उसकी बेटी के फोन कॉल से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। लियो नैन्सी को शांत करने के लिए उसके सामने डांस करता है। और फिर उसे मालिश देता है। लियो उसे सलाह देता है कि उसे एक ही रात में अपनी फैंटेसीज की पूरी लिस्ट को खत्म करने के लिए जुनूनी नहीं होना चाहिए। फिर नैन्सी उसे अपने त्याग के बारे में बताती है कि उसने अपनी परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। लियो नैन्सी से एक्ट करने के लिए खुद पर डाले जा रहे दबाव की वजह से उसे एक और सेशन बुक करने का सुझाव देता है जिस वजह से वो नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि लियो उससे और पैसे ऐंठना चाहता है। वो लियो से पूछती है कि वो सेक्स वर्क क्यों करता है और वो बताता है कि उसे अपने ग्राहकों को खुश देखकर असली खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी हो और उनकी पसंद जो भी हो। नैन्सी देखती है कि लियो अपने काम को एक्सप्लेन करने की वजह से एक्साइटेड हो रहा है जो बदले में उसे भी एक्साइटेड कर देता है और फाइनली वो उसे ओएल देती है और अपनी पहली फैंटेसीज को पूरा कर लेती है। नैन्सी लियो को उसी कमरे में तीसरे सेशन के लिए बुक करती है। इस बार लियो उसके साथ MM करता है जो उसकी लिस्ट में दूसरा आइटम है और वो इसका आनंद लेती है। नैन्सी बाद में उसे बताती है कि उसने लियो की साइबर स्टॉकिंग करके उसका असली नाम जान लिया है और उसका असली नाम कॉर्नर है, जिस वजह से लियो उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी में दखल देना हुआ। वो अपना सामान बटोर कर वहां से जाने लगता है और उसे दोबारा कॉल करने से मना करता है और कहता है कि वो भी सबको उसका क्लाइंट होने के बारे में बता सकता है। बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद लियो वापस आता है कि
क्योंकि उसका फोन कमरे में रह गया था। लियो नैन्सी से बताता है कि जब वो 15 साल का था तब उसकी माँ ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और वो उनके लिए मर चुका है। उसके बाद वो नैन्सी को किस करके वहाँ से चला जाता है। बाद में वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाती है एक रेस्टोरेंट में, ताकि वो उसे माफी मांग सके और अलविदा कह सके। वहाँ की वेट्रेस उसकी एक्स स्टूडेंट रह चुकी है। लियो जब वहाँ आता है वो उससे पूछती है कि क्या वो उस रूम के बाहर भी दोस्त बन सकते हैं। वो लियो को उसकी फैमिली और प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए कहती है और वो ये भी कहती है कि वो उसकी माँ से उसके बारे में बात कर सकती है। बाद में वो उस वेट्रेस से भी बता देती है कि वो लियो से किस तरह की सर्विस लेती है। वो अपने बिहेवियर के लिए लियो से माफी मांगती है और अपना असली नाम सुजान रॉबिन्स बताती है। वो लियो को अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो सब अनुभव कराने के लिए थैंक्स कहती है और वो ये भी बताती है कि उसने अपने सर्कल के भीतर कई औरतों के लिए लियो की सिफारिश की है, जिनके बारे में उसका मानना है कि उसे उसकी सेवाओं की उतनी ही जरूरत है जितनी उसे थी। बदले में लियो ने अपनी माँ द्वारा उसे अस्वीकार करने का कारण बताया क्योंकि उसकी मॉम ने उसे और उसके कई दोस्तों को ग्रुप एक्स करते हुए पकड़ा था जब वो एक टीनेजर था। उसकी माँ अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। नैन्सी अपने उस स्टूडेंट को भी लियो की सर्विस लेने के लिए कहती है और फिर वो लियो को अपने ऊपर के होटल के कमरे में उसके लास्ट सेशन के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ वो नैन्सी की लिस्ट में लिखी सभी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए जोश के साथ लग जाता है। उन सभी क्रियाओं से गुजरने के बावजूद नैन्सी को अभी भी ऑर्गेज्म होना बाकी है, जबकि लियो एक एक्स्ट्रा की क्लास करता है जिसे वो मदद के लिए लाया था। नैन्सी उसे नेकेट घूमते हुए देखती है और एमबी करना शुरू कर देती है। अगले दिन वो लियो को उसकी सेवाओं के लिए थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि ये उनका लास्ट सेशन था क्योंकि उसे अब लियो की जरूरत नहीं है। लियो के जाने के बाद वो अकेले होटल के कमरे में अपने नेकेट शरीर की तारीफ करती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।